हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई रेसिपी, मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम तिल लिया। फ्रेंड्स हमें तिल साफ तिल लेना है अच्छी तरह से। फ्रेंड्स हमें तिल को साफ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का तिल है। फ्रेंड्स तिल को फ्रेंड्स हमें रोस्ट करना है, लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे। तो 250 ग्राम फ्रेंड्स मैंने वाइट तिल लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छी तरह से छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे या ग्रेट करके लेना है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीनट्स लिए हैं, रोस्ट करके पीनट्स को लेना है, छिलका उतार देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रोस्ट करते हैं तिल को। तो देखिए फ्रेंड्स, पैन रखा है लो फ्लेम में। फ्रेंड्स हमें धीमी आँच में तिल को रोस्ट करना है। देखिए रोस्ट करते हैं। ज़्यादा फ्रेंड्स हमें रोस्ट नहीं करना है, लो फ्लेम में अच्छे स्वाल आने तक तिल को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं। इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। प्लेट में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उसी पैन में पैन को साफ करके 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी से अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा। तो गुड़ को डाल देंगे। फ्रेंड्स हमें गुड़ की चाशनी रेडी करनी है। तो गुड़ को लो फ्लेम में फ्रेंड्स हमें मेल्ट करना है। लगातार चलाते रहेंगे, स्पैचुला की हेल्प से चलाएंगे। चाशनी रेडी करते हैं गुड़ की। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। लो फ्लेम में मेल्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेल्ट हो चुका है। कलर चेंज होने तक फ्रेंड्स हमें चाशनी को रेडी करना है। चाशनी कैसे रेडी करते हैं गुड़ की, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी गुड़ की चाशनी रेडी हुई है कि नहीं। फ्रेंड्स आप भी इस मकर संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी जो ट्राई कीजिएगा, आई होप फ्रेंड्स आपको जरूर पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बाउल में पानी लेंगे, पानी लेके ड्रॉप डालेंगे गुड़ का। देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉप फ्रेंड्स डाले हैं तो इकट्ठा होना चाहिए, ड्रॉप से फ्रेंड्स पानी में नहीं फैलना चाहिए। यानी हमारा गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है। इसी स्टेज में फ्रेंड्स हमें लो फ्लेम करके ही तिल को ऐड कर देंगे, डाल देंगे। तिल को डाल के फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमें चाशनी में मिक्स करना है और पीनट्स भी डाल देंगे। फ्रेंड्स पीनट्स को हमें दरदरा कूट लेना है जार में। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, लो फ्लेम कर देंगे। फ्लेम फ्रेंड्स हाई नहीं होनी चाहिए हमारा मिक्सचर, ये तो सड़ जाएगा, जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे टाइप में हमें बर्तन करना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स सारा प्रोसेस फ्रेंड्स हमें गर्म में ही करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। तो इसे प्लेट में निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो लड्डू का शेप देंगे फ्रेंड्स हाथ में। फ्रेंड्स पानी लगा के हमें लड्डू का शेप देना है। हमारा मिक्सचर ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ठंडे में ही हमें लड्डू का शेप देंगे। हम दिखाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको हाथों में पानी लगाएंगे। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हो। इस टाइप में फ्रेंड्स दोनों हाथों में लेके ध्यान से करें। फ्रेंड्स गरम है हमारा मिक्सचर, आप फ्रेंड्स गुड़ चिपकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप में लड्डू हमें रेडी करने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ रेडी करके। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स जितना फ्रेंड्स मिक्सचर बचा था मैंने फ्रेंड्स चिक्की रेडी कर ली है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा लड्डू की, तिल गुड़ लड्डू की। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।